अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में वो आप देख सकते हैं पीछे हमारा ट्रैक्टर खड़ा है। तो हम अभी जा रहे हैं रोनी करने, आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर हम लगाएंगे पानी और ट्यूबवेल चलाएंगे, और काफ़ी देर के बाद आज व्लॉग शूट करने का मौका मिला है, तो मैंने कहा चलें आपको दिखाते हैं किस तरह से करते हैं रोनी गंदम के लिए। तो फाइनली गाइज यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन के पास, आप देख सकते हैं पीछे मेरे। और यहाँ पर अब हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे इसकी, उसके बाद टोल के चलाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली सबसे पहला जो हमारा काम था हमने वहाँ पर वो कर दिया है। अब हम ट्रैक्टर में डालेंगे शावट, आप देख सकते हैं ये इस तरह से अटैच होती है, और अब इसे अटैच करेंगे, देखते हैं मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो फाइनली यहाँ पर हमने हुका लिया है ट्रैक्टर को, और अभी चलाएंगे ट्यूबल, अभी चलाते हैं। देख सकते हैं आप सामने, और अभी हम वहाँ जाएंगे यहाँ पर ये पानी जा रहा है, और वहाँ पर ना जो जिस ज़मीन को पानी लगाना है उस ज़मीन को पानी छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं अभी खाला खाले में अभी ना पानी नहीं है इतना ज़्यादा, वो आ रहा है पीछे। तो फाइनली गाइस पानी हमारी ज़मीन तक पहुँच चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी, और वो वहाँ पर हमने परसों गंदम बीजी थी, आप देख सकते हैं पानी कहाँ से आ रहा है। वो उधर से आ रहा है काफ़ी दूर से। तो यार गाइस पानी लग रहा है वहाँ पर, आप देख सकते हैं, और मुझे लगी है थोड़ी सी भूख, मैंने सोचा चलो गन्ना ही ले आते हैं वहाँ से जाके, तो चलो चलते हैं लेने। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं कमाद के पास, और यहाँ से हम लेंगे गन्ना। आई होप कि आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दें, और आपको दिखाते हैं हम कौन से इनमें से पसंद कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली ये हमें गन्ना पसंद आ गया था, और हम जी यहाँ वहाँ से ले आए हैं वो उधर से, और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने खेत की तरफ, और अब मैं जाऊंगा पीछे वो उधर ट्यूबवेल की तरफ, ताकि देख कर आऊँ कि सारा जो पानी का सिस्टम है वो ठीक तरह से आ रहा है या नहीं, चेकिंग होगी वहाँ पर। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा रहता है। कहीं हमने लिया है उठा, ये पड़ा है हमारा गन्ना जो भी वहाँ से लेकर आए हैं। अभी हम जाएंगे पीछे गेड़ी लगाने, गेड़ी शेड़ी लगाना है, पीछे देख के आने हैं कि सारा काम सेट, पानी की तो टूटते नहीं रहा, सारा कुछ ठीक है।
तो गाइस फाइनली हमने पानी जो लगाना था वो कंप्लीट कर लिया है, और अभी टायर की बारी है पानी की। ट्यूबवेल अपना चल रहा है और टायर जी लगाएंगे पानी। हमारा तो फिलहाल ख़त्म हो चुका है और बस इंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं उधर से पानी अब इधर आ रहा है, इधर टायर की मक्की को लगेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर करते हैं ब्लॉग को ख़त्म। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।